यहाँ के प्रशासन जो है फॉरवर्ड के रखेल है, यहाँ के प्रशासन जो है सरकार के दलाल है और यहाँ सब चाटने का काम करता है। वैशाली जिला के पुलिस प्रशासन के हम जब वीडियो में देखते थे कि महिला लोग और बेटी बहन लोग जूता चप्पल से यहाँ के पुलिस को मारता है, यहाँ के पुलिस प्रशासन गांजा और दारू बेचवाने का काम करता है, जिसका सबूत हम देने को तैयार है। अगर मेरा सबूत गलत है, प्रशासन को काम है सबको रक्षा करना की सबको इज्जत लुटवाना, सबको रेप करवाना, सबको हत्या करवाना। यहाँ के थाना अध्यक्ष को भ्रष्ट और घुसखोर अगर लतखोर भी कहिए तो चलेगा। दलित फॉरवर्ड, दलित को यहाँ जात देकर न्याय दिया जा रहा है, जात देख के जेल भेजा जा रहा है, जात देख के छोड़ा जा रहा है, जात देख के एफआईआर किया जा रहा है और जात देख के केश कुमार शरम करो, शरम करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो। क्या एगो एओ के बुलाइएगा और राकेश कुमार फिर पीटिएगा, फिर बंदूक लेकर जेल भेज दीजिएगा। देखिए सर, सर देख लीजिए, हम लोग कानून का सम्मान करते हैं और कानून पर भरोसा करते हैं। कैमरा, अच्छा ठीक है, कैमरा लगा हुआ है ना, हम वीडियो दिखा रहे हैं और आप भी वीडियो दिखाइए। राकेश कुमार के पास बंदूक पकड़ाया, ठीक है, सही है, आप लोग की बात मान रहे हैं। तो फिर 18 को पकड़ाया तो 19 को विष्णु कुमार को, सुन लीजिए सर, उसको जेल क्यों नहीं भेजे 19 को? हम देखिए आज कितना 24 है ना, जी कल तक हम एग्जाम ड्यूटी में जी। तो सर देखिए, यहाँ के प्रशासन जो है सब नामर्द है, यहाँ के प्रशासन जो है फॉरवर्ड के रखेल है, यहाँ के प्रशासन जो है सरकार के दलाल है और यहाँ सब चाटने का काम करता है और दलितों को डांटने का काम करता है, जिसका सबूत हमारे पास है। प्रशासन जातिवाद है ही नहीं, राकेश पासवान का हत्या हुआ कुछ नहीं हुआ। वैशाली जिला के सबके लिए होता है, वैशाली जिला के पुलिस प्रशासन के हम जब वीडियो में देखते थे कि महिला लोग और बेटी बहन लोग जूता चप्पल से यहाँ के पुलिस को मारता है, तो हमको लगता था कि पुलिस को जूता चप्पल से पीटता है, माँ बहन तो गलत करता है। लेकिन हम जब वैशाली जिला में आए, हमको लगा कि यहाँ के पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट है, करप्ट है, जातिवाद है, दलाल है, जूठा चढ़ने का काम करता है, गांजा बेचवाने का और दारू बेचवाने का काम करता है। और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करता है, यहाँ के पुलिस प्रशासन गांजा और दारू बेचवाने का काम करता है, जिसका सबूत हम देने को तैयार है। अगर मेरा सबूत गलत है तो धारा 182, 211 में और 420 में हमको FIR करके जेल भेजे, और अगर मेरा सबूत सही है तो धारा 4 के तहत भ्रष्ट थाना अध्यक्ष पर FIR दर्ज। क्यों नहीं अकेले में राकेश कुमार को 18 से 21 तक रखा गया, क्या बंदूक दे के और मार पीट के विष्णु कुमार को बंदूक रख के जेल भेज दिया? क्या फिर अकेले बोलेगा फिर जेल भेज दीजिएगा? थाना अध्यक्ष देखिए, जब कानून काम करना है, जब सही काम करना है, जब न्याय की नियत से काम करना है, तो फिर सार्वजनिक बात करने में उनको शर्म क्यों? वो अपना मुंह में काली क्यों लगा ली है? किसको? हमको प्रशासन पर भरोसा नहीं, फिर प्रशासन को हम पर भरोसा क्यों नहीं है? प्रशासन को काम है सबको रक्षा करना, कि सबको इज्जत लुटवाना, सबको रेप करवाना, सबको हत्या करवाना और सबको झूठा केस में जेल भेजने के लिए काम है प्रशासन के? झूठा केस में फंसा रही है, बिल्कुल फंसा रही है। प्रशासन जांच करती है, उसके बाद 18 तारीख को विष्णु कुमार को गिरफ्तार किया, 18 के रात में मारा, 19 को हॉस्पिटल में भर्ती किया। वीडियो देखिए हॉस्पिटल का, वीडियो दो हॉस्पिटल का, वीडियो नीचे में चलाइए आप लोग, वीडियो दीजिए। 18 के रात में विष्णु कुमार को गिरफ्तार किया गया है, अभी हम हॉस्पिटल में गए, उनका CCTV पूरे जांच की है। सर आप नहीं तो अभी सुन लीजिए, 24 घंटा सर ज्यादा थाना में रखने का अलाउ नहीं ना है, 65 घंटा है पेश करना पड़ता है। तो सर विष्णु कुमार को 65 घंटा थाना में क्यों? ये गलत किए थाना कि सही किए? सर तो जवाब भी तो दीजिएगा, हल्ली कला है दीजिए, लिख दीजिए। लेकिन ये इसको एक रिसीविंग दीजिए, नहीं एक रिसीविंग लेंगे, एक ओरिजिनल है। यहाँ के थाना अध्यक्ष को भ्रष्ट और घुसखोर अगर लतखोर भी कहिए तो चलेगा? लतखोर और भ्रष्टाचोर आप इतना क्यों पुलिस प्रशासन चिढ़े रहते हैं? एक सौ दीजिए, एक तो सर को पढ़ने दीजिए जी। यहाँ क्या नफरत कहाँ है पुलिस प्रशासन से आपकी? मुझे देखिए, पुलिस को पता चलता है गुप्तचर के द्वारा, मीडिया को पता चलता है सूत्रों के द्वारा, तो मुझे भी गुप्तचर के द्वारा पता चला है कि लालगंज के थाना अध्यक्ष जो है यहाँ के गांजा जिसे क्या करता है कि अपना दलाल को रखा है, और कोई गांजा माफिया जो है गांजा लेके आता है और दलाल उसको पकड़वाता है और थाना वहां जाता है और गांजा बेचने वाले को, दारू बेचने वाले को 1,00,000 रुपए लेकर और दारू रख के उसको छोड़ देता है और अपना दलाल से उस गांजा को और उस दारू को सप्लाई करवाने का काम करता है।
आरोप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सबूत लीजिए ना भाई साहब। सबूत आपके पास? क्या सबूत है? सबूत वीडियो हमारे पास है ना। अगर मेरा सबूत गलत है हमको जेल भेजिए, और जब सही सबूत है तो ऐसे ऐसे बेशर्म थाना अध्यक्ष को जूता के माला बनाकर और स्टार और वर्दी छीनकर इनको बर्खास्त करे। अच्छा हाथ में क्या लिए हुए हैं? ये हाथ में मेरा ज्ञापन है विष्णु कुमार का। क्या पूरा बताइए इसको क्या है? इसमें मेरा एक ही चीज मांग है कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। अगर विष्णु कुमार गलत है तो फिर विष्णु कुमार को सजा मिलना चाहिए। अगर विष्णु कुमार सही है तो फिर उसको न्याय कौन देने आएगा? भगवान। सर एक ज्ञापन ले लीजिए और एक रिसीविंग दे दीजिए। ओडी ड्यूटी किसका है? ओडी ड्यूटी किसका है? होंगे ना थाना दे तो ताला मार के ज्यादा नहीं होंगे थाना में? ओडी ड्यूटी में तो कोई रहते होंगे। तो देखिए सर, आप कानून के रखवाले हैं, आपसे ज्यादा कानून हम जानते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर की लापरवाही दिखाई है, बेवजह पकड़ लिया विष्णु रविदास को, क्या कहेंगे इस पर? कुछ तो बोलिए। तो सर ज्ञापन दिया जा रहा है, तो ज्ञापन लिया चोर थाना अध्यक्ष शरण करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। रोहित कुमार भी है, ईसाई है और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, गोल्डन के सवालों से बच रहे हैं। विष्णु कुमार देखिए एक चीज और हम बता रहे हैं, मुझे गुप्तचर द्वारा पता चला है कि थाना अध्यक्ष विष्णु कुमार को अपना घर में किसी से रिश्ता करने के बात कर रहे थे। अच्छा। और विष्णु कुमार उस रिश्ता से इनकार किया, इसीलिए लगा कि अब इसको कैसे हम अपना कब्जा में करें भाई, तो विष्णु कुमार को झूठा केस में जेल भेजे और अब सौदा कर रहे हैं कि तुम हमारे घर में रिश्ता करो तो तुम्हारा केस को मैं फोर्स कर दूंगा, और वो शर्त नहीं माना तो विष्णु कुमार को जेल भेज दिया, जिसका सबूत हमारे पास है। गोल्डन जी दलित और फॉरवर्ड की चाटने की बात कर क्या कर रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, हम जो बोल रहे हैं फॉरवर्ड को चाटना और दलितों को डांटना बंद करो। क्या चाटने की बात? हम वो चाटने के लिए नहीं कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, हम वो चाटने की बात कर रहे हैं किसी के तलवा ना चाटे, किसी को जूठा ना चाटे। और जो आप समझ रहे हैं, सुनिए मीडिया महोदय जो आप देखिए, नहीं आपका सवाल जो है, दलित फॉरवर्ड, दलित को यहाँ जात देकर न्याय दिया जा रहा है, जात देख के जेल भेजा जा रहा है, जात देख के छोड़ा जा रहा है, जात देख के एफआईआर किया जा रहा है, और जात देख के केस में से नाम निकाला जा रहा है, इसका सबूत हमारे पास।